गुड मॉर्निंग एवरी वन एंड वेलकम बैक टू माई किचन। तो सुबह के बज रहे हैं 8, कौन आ गया सुबह सुबह और नाश्ता बना रहे हैं, तो नाश्ते बन रही है पूरी। मैं देखती हूँ कौन है, हैं? मैं देखती हूँ कौन आया। तो ये नोनी नाश्ता कर रहा है, कौन है भाई सुबह सुबह? अखबार वाला, पेपर वाले भैया? 250 होगा, 200-250 रुपये है पेपर का। कौन है पता नहीं, कोई भी नहीं है गेट के बाहर। तो कौन है? अच्छा अच्छा रुका, अभी पेपर वाला ही है। तो फ्रेंड्स मौसम बहुत अच्छा हो गया, ठंडा ठंडा। हाँ पेपर वाला, हाँ आपके पास नहीं है? मेरे पर्स में से निकालते सीधा। लो बताओ, गुड मॉर्निंग बोलो बच्चे। तो ये चटनी के साथ ही खाता है, देखें चटनी, नींबू, नमक, पता नहीं क्या क्या। आज की पूरी अच्छी नहीं बनी ना, कड़क मड़क होगी, खाने में तो अच्छी है ना। ऊपर तो देख ले, शक्ल तो दिखा दे, ओए शक्ल तो दिखा दे ऊपर। बाल काटे ना ऐसे काटे, ये बाल काटे हुए लग रहे हैं कहीं से, 200 रुपये दे के काटे हुए बाल। गुड मॉर्निंग एवरी वन एंड वेलकम बैक टू माई वीडियो विद ब्यूटीफुल व्यूज़ एंड पॉजिटिविटी। तो ये संग होता है जो हम सुबह सुबह जलाते हैं, जिससे क्या आती है पॉजिटिव वाइब्स, और पूरे घर में घुमाते हैं पॉजिटिव वाइब्स के लिए भी। और देखिए खूबसूरत लेक व्यू, बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा है सुबह सुबह, और ठंडी ठंडी हवा चलती है। तो कल रात तेज़ बारिश हुई है, कल शाम के समय मैंने आपको दिखाया था व्लॉग में, और उसके बाद 7 बजे के आसपास हुई थी, उसके बाद मौसम ठीक हो गया था। और अभी फिर से देखिए खूब बादल है, हल्की धूप भी लगी हुई है। तो चलिए नाश्ता बन चुका है, तो नाश्ता करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरी वन एंड वेलकम बैक टू माई वीडियो। तो सुबह के बज रहे हैं 9:15 और हम लोग लगे हैं नाश्ता करने। आजकल थोड़ा सा, क्योंकि नौनी का स्कूल है ना, तो इस करके थोड़ा सा हम लोग जल्दी उठ जाते हैं, और 9:15 के आसपास तक हमारा नाश्ता जो है निपट जाता है। अदरवाइज़ क्या होता है, हम 10 बजे आ जाते हैं नाश्ता करते करते। तो मिलिए इनसे। गुड मॉर्निंग एवरी वन, आप लोग का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, आप सब लोग खुश रहे। तो चलिए जी, आपके लिए बहुत सारी गुड विशेज़। और आज है रिजल्ट, इलेक्शन जो हुए थे अभी पिछले दिनों, तो कौन जीतेगा कमेंट करके मत बताइएगा, क्योंकि तब तक रिजल्ट आ चुका होगा। तो चलिए नाश्ता करते हैं। नाश्ते में मैंने बनाई थी पूरियाँ, आप लोगों को मैंने दिखा दिया था, और है कद्दू। हम लोगों ने ऐसे कॉम्बिनेशन से कभी नहीं बनाती, दागर होती तो उसको पूरी के साथ आलू ही खाना होता है, और अगर छोले बने तो उसको भटूरे खाने होते, तो हम लोग तो कोई भी सब्जी बनी हो तो उसके साथ पूरी खा लेते हैं। तो नौनी तो वैसे भी सब्जियाँ कम ही खाते हैं। तो चलिए फ्रेंड नाश्ता करते हैं अब हम लोग। गुड मॉर्निंग एवरी वन एंड वेलकम बैक टू माई वीडियो। तो 10:20 हो रहे हैं, तो आजकल मैं जल्दी दुकान जा रही हूँ ना, तो खाना बनाना भी जल्दी स्टार्ट कर रही हूँ। तो मैं लगी हूँ आज भट की चुटकानी बनाने। तो ये काले भट है, तो अभी तारा बोलती कि सफ़ेद भट की चुटकानी इससे भी ज़्यादा टेस्टी होती, तो फिर मैं वो भी लेके आऊँगी और वो भी ट्राई करूँगी। एक्चुअली मेरी ना लोहे की कढ़ाई लगी थी, आप लोगों ने देखा सुबह मैंने नाश्ता बनाया, तो मैं लोहे की कढ़ाई में तलती वलती हूँ पूरियों को, तो मैं भट की चुटकानी भी इसी में बनाती हूँ। तो मैंने कहा चलो लगे हाथों भट की चुटकानी बना देते हैं। तो ये भट को मैं भून रही हूँ अच्छे से चटक पटक करके, और जैसे कि रेसिपी तो मैंने पिछली बार कई सारे ब्लॉग में शेयर किया, मतलब जब बनाई तब मैंने पूरी रेसिपी शेयर करी है। तो आज हम बस इसको ऐसे ही बना देंगे, और बाद में फिर मिलते हैं बनाने के बाद। और मैंने चावल भी रख दिए भिगो के, तो मैं कोशिश करूँगी 12 बजे तक घर से निकल जाऊँ मैं लंच लेके किसी हाल में। तो चलिए फ्रेंड्स बनाते हैं फटाफट खाना। गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो दिन के ना 12:30 बज चुके हैं, एक्चुअली मुझे निकलना था 12 बजे तक, मैंने 12 बजे तक निकल जाऊँगी किसी हाल में, बट मैं होगी फिर भी लेट। तो चलिए 12:30 बजे मैं निकली हूँ घर से लंच लेके। तो चले मिलते हैं दुकान पे जाके, या रास्ते भर में जैसा भी रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स बने रहिए व्लॉग के साथ दिन भर के अपडेट्स के लिए। मौसम जो है फिर से होने लग गया है बादल, शायद आज फिर से बारिश पड़ने लग जाए। तो चलिए देखते हैं कैसा रहता है आज दिन भर मौसम, और कैसी होती है भीड़ भाड़। गुड आफ्टरनून एवरी वन। तो यह स्टेट बैंक वाली रोड, और आप देख सकते गाड़ियाँ आती हुई पूरे बाहर से गाड़ियाँ आ रही है नैनीताल की तरफ। तो मौसम आप देख सकते आज ना बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है, ठीक ठीक सा मौसम हो रहा है, मतलब धूप तेज़ लगी होती है बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो हल्का सा मौसम मतलब ठंडा सा ही, अच्छा सा ही है, ठंडा भी नहीं है बहुत, गर्म भी नहीं है, ठीक ठीक सा मौसम है। तो चलिए जी, स्टेट बैंक वाली रोड मैंने आपको दिखाई, मतलब गाड़ियाँ आ ही रही हैं, काफ़ी सारी कतार लगी हुई है गाड़ियों की। और ये यहाँ पर नगर पालिका के सामने वाली जो रोड है वहाँ का नज़ारा। तो यहाँ पर तो मौसम बड़ी ठंडी हवाएँ चलती है, क्योंकि पेड़ ना इधर उधर से, तो जब यहाँ पर चलो तो हवाएँ ऑटोमेटिकली ठंडी हो जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स इसके बाद अब देखते हैं पंत पार्क में क्या चल रहा है, और उसके बाद मार्केट वाली साइड में। तो फ्रेंड्स देखिए पंत पार्क का नज़ारा, हल्के फुल्के से लोग दिख रहे आते जाते हैं। तो यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं इस पे जो बनी हुई है बैठने वाली जगह, बस 2 ही पेड़ों पर बनी, बाकी पेड़ों पर नहीं बनी है। उसके बाद मुझे लगा था सारे पेड़ों पर बनेगी यहाँ पर जो भी पेड़ है, तो काफ़ी ज़्यादा जगह लोगों को बैठने को मिल जाएगी जब लोग थके हारे होते चल फिर के घूम घूम के। तो ये पंत पार्क वाली साइड, तो आगे से आती हुई दिख तो रही है भीड़ सी। ओए होए होए,
कैमरा ही नहीं पकड़ा जा रहा, हाथ से छूटने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे जाके मिलते हैं, मेरा कैमरा गिरने वाला है हाथ से और हिल रहा है काफ़ी ज़्यादा। तो फ्रेंड्स गुरुद्वारा साहिब, तो ये है नैनीताल में गुरुद्वारा साहिब, तो दर्शन कर लीजिए आप सभी लोग। तो इसके बाद हम चलते हैं भाई, देखो बता रहे, तो काफ़ी लोग दिख रहे हैं आज यहाँ पे फील्ड में, फील्ड की साइड में काफ़ी ज़्यादा, मतलब फील्ड नहीं मार्केट वाली साइड में इधर को, क्योंकि छाँव है ना आज, तो हमें तो और दिन क्या होता चटक धूप लगी होती तो लोग यहाँ पे खड़े ही नहीं हो पाते, इतनी तेज़ धूप लगती है। तो आज धूप कम है तो लोग देखिए आप देख सकते हैं काफ़ी तादाद में खड़े हुए हुए हैं ठंडी हवाओं का आनंद लेते हुए। मार्केट वाली साइड तो खाली खाली सही है, कोई भी नहीं है, सब लोग खाली खाली बैठे हुए हैं। तो चले जी मिलेंगे कुछ देर बाद। जी हम पहुँच चुके थे शॉप में और यहाँ पे चल रहा था काम, तो कस्टमर्स थे यहाँ पे और ये कुछ सामान बेच रहे थे। तो चलिए मिलती हूँ मैं कुछ देर बाद फिर। गुड आफ्टरनून एवरीवन, तो ये है दिन के 2:30 बजे का मौसम। तो आज मौसम ऐसे ही बादल बादल से रहेगा, बीच में अचानक से क्या होता लगता है कि बारिश आने ही वाली है, पर बारिश भी नहीं आई और मौसम कभी धूप कभी छाँव वाला सा रहेगा। मतलब बहुत तेज़ धूप तो नहीं लगी थी, हल्की हल्की सी बीच में तेज़ धूप आ रही थी, मगर ऐसे इसी तरह का रहा है। तो ठंडा ठंडा सा मौसम आज का रहा है और दुकान वाली साइड तो सुनसानी है, देखिए आप देख सकते हैं सुनसानी सी छाई भी है। तो चलिए हम चलते आगे को थोड़ा सा गपशप मारते हैं। आज मेरी सहेली नहीं आई है, मेरी दोस्त यू समोसा खा रही है लोग यहाँ पे तो फ्रेंड्स यहाँ पे समोसा पार्टी चल रही है यू डो उससे लिया समोसे वाले से बचपन की यादें ताज़ा करती हुई डोमा समोसे के साथ एक बंदी कुछ बोलने को तैयार है मगर शब्द इसके मुंह से बाहर नहीं आ रहे शब्द मुंह से बाहर नहीं आ रहे बोल बोल दे कौन चुप अजी को कुछ तो बोलने वाला अजी को तो चलिए खाओ खाओ आराम से, मैंने कैमरा मोड़ दिया इधर को। तो चलिए फ्रेंड्स वहाँ पे जो है ना हनुमान चालीसा का पार्ट स्टार्ट हो चुका है, तो मैं वही शूट करने जा रही थी यहाँ पे दुकानें सब लोग बैठे हुए ए मुँह ये छुपा रहा है मेरे से छुपा रहा है तो ऐसे कूदते हुए आता बड़ा हीरो बना हुआ टीशर्ट के अंदर गुजारा बड़ा। तो फ्रेंड्स हनुमान चालीसा का जो पार्ट है स्टार्ट हो चुका है, मैं थोड़ा सा लेट हो गई हूँ तो सामने से जगाती जी भी वीडियो बनाते हुए। तो यहाँ पे चल रहा है हनुमान चालीसा का पार्ट, तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ तो नहीं है आज, मतलब नहीं तो क्या होता है यहाँ पीछे पीछे तक काफ़ी सारे लोग होते हैं, तो आज कम से कम ही लोग दिख रहे हैं। यहीं से शूट कर रही हूँ मैं, तो आज उतनी ज़्यादा भीड़ नहीं है चक्कर। तो फ्रेंड्स सत्यप्रकाश जी के गाने, तो लोग आ रहे हैं जा रहे हैं गानों का आनंद लेते हुए, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है हल्की। तो हम चलते हैं हनुमान चालीसा का जहाँ पे प्रसाद बट रहा है वहाँ पे, ओ माय गॉश अब तो बड़ी भीड़ लगी है वहाँ पे। तो हनुमान चालीसा का पाठ जो है ख़त्म हो चुका है और उसके बाद यहाँ पे जो भीड़ लगी है प्रसाद के लिए, तो ये आप देख सकते हैं प्रसाद वाली जगह पे जो भीड़ लगी है भयंकर भयानक भीड़। तो हम तो लेके ही आएंगे आज प्रसाद, तो मैं भी जा रही हूँ प्रसाद लेने के लिए भीड़ भाड़ में घुसते हुए। तो ये ज़बरदस्त भीड़, तो लोग यहाँ पे मंदिर के सामने से, मतलब आरती के समय भजन के उसमें नहीं दिखते, हनुमान चालीसा के समय लोग दिखने देते, प्रसाद के समय में इतने सारे लोग दिख रहे हैं यहाँ पे ये रहे, अरे भैया टकराए नहीं, ये रहे ये। तो फ्रेंड्स मुझे नहीं मिला प्रसाद यार, बहुत ज़्यादा लंबी भीड़ लगी है, धक्का लग रहा था, ये देखो इनको यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा धक्के बक्के लग रहे हैं वहाँ से, तो प्रसाद लेना वहाँ पे पॉसिबल नहीं हो रहा है। अभी थोड़ी भीड़ कम हो जाएगी फिर हम जाएंगे वहाँ पे, यार प्रसाद ही नहीं मिल रहा, बताओ जय श्री राम जय श्री राम, प्रसाद नहीं मिल रहा हमें, प्रसाद दिलाओ चलो कुछ और अच्छा। तो ये देखिए यहाँ पे रश, तो चलिए घुसते हैं हम फिर, ख़त्म हो जाएगा तब तक प्रसाद ही, जब तक हम वहाँ पे पहुँचेंगे। तो चलो यार हटो। गुड इवनिंग एवरीवन, तो शाम के 7 बज चुके हैं इस समय, अब जाके ना थोड़ी सी भीड़ भाड़ सी, मतलब 6 बजे से थोड़ी सी हल्की फुल्की सी भीड़ भाड़ सी होने लगी थी, उससे पहले तो बिल्कुल सूना सूना सा था सब कुछ ही। तो ये है अभी शाम के 7 बजे का नज़ारा मार्केट का, उधर को दिख रही है काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़, दिखी उधर को, यहाँ को तो हल्की है, मतलब काफ़ी भीड़ हल्की हो गई है, ऐसे लग नहीं रहा कि सीज़न टाइम में, दिन के समय में तो बिल्कुल भी लोग नहीं नज़र आते हैं, बिल्कुल खाली खाली से सूना सूना से नज़र आता दिन के समय में, तो अभी शाम के समय फिर भी हल्के फुल्के से लोग जो है नज़र आने लगे हैं। तो ये है आज शाम का नज़ारा, तो चले थोड़ा सा दुकान में बैठते हैं और बाहर बैठते हैं, इनको ठंड नहीं लग रही, मुझे ठंड लग रही है, मैंने जैकेट पहना हुआ है डेनिम जैकेट हल्का सा फर वाला।
इवनिंग एवरीवन। तो इस समय बज रहे हैं शाम के 9 बजने लग गए यार, मुझे लगा भी तो बहुत ज़्यादा टाइम है, बस 9 बजने वाले हैं। और मेरे छोटू छोटू से सब्सक्राइबर आए थे यहाँ पे। अपना नाम बताओ सबसे पहले। अलमान। पूरा जो रॉकिंग अलमान। रॉकिंग अलमान ये जिनके कमेंट्स आते रहते हैं, रॉकिंग अलमान नॉटी बॉय। और आपका नाम? अदियान। अदियान। और आप? मरियम। देखो ये छोटू सा सब्सक्राइबर, इतना छोटू सा सब्सक्राइबर, और ये मरियम की मामा। तो अच्छा लगा आप सभी लोगों से मिलकर। कहाँ से आए हैं आप लोग? मुरादाबाद से। कैसा मौसम हो रहा है? और यहाँ कैसा लग रहा है? वहाँ पे ज़्यादा गर्म है, यहाँ पे अच्छा लग रहा है। अच्छा, और बताएं कुछ कहना चाहेंगे आप? अच्छा, कैसे लगता है आपको मेरे ब्लॉग्स? रोज देखते हैं आप? आप भी रोज देखते हो? और आप? और देखो बुआ, ये इनकी बुआ है, इनकी मामा है ना, इन दोनों की मामा और अलमान की बुआ ना। रॉकिंग अलमान तो मुझे मतलब याद है क्योंकि कमेंट मतलब लाइव में भी आता है। हाँ वो मैं पहचान गई, मुझे तो लगा था कोई बड़े से बच्चे होंगे, आप तो छोटे से बच्चे हो यार। तो चलिए फ्रेंड्स, अच्छा लगा मुझे आप लोगों से मिलके, थैंक यू। सबसे देखो यार छोटू शाह, आओ तो सब लोगों के साथ में एक पिक्चर ले लूँ। आप भी आ जाओ, आ जाओ। नहीं तो ये मेरे छोटू छोटू से सब्सक्राइबर है, देखो ये सबसे छोटू मरियम है ना। मरियम बोलो, बोलो। नहीं नहीं बोलना है, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। गुड इवनिंग एवरीवन। तो ये ऐसे सब्सक्राइबर, उनसे गपशप मारी, अब वो लोग चले गए हैं, तो मैंने सोचा जो आज का ब्लॉग है मेरा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, तो क्यों ना आज का जो ब्लॉग है इसको देते हैं यहीं पे पूर्ण विराम। तो कल को फिर मिलेंगे नए ब्लॉग में नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। तो अच्छा नहीं नहीं गुड नाइट नहीं, अभी तो दिखाती हूँ आपको थोड़ा सा रश ना इस समय। तो ये जनरेटर चल रहा है कहीं पे, शायद गुरुद्वारे में चल रहा है जनरेटर, जिससे इतनी तेज़ वाली आवाज़ आ रही, कट 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 वाली आवाज़। तो ये है इस समय का नज़ारा, हवा चल रही है बड़ी मस्त वाली, देखिए आप फ्लैग्स को उड़ते हुए आपको पता चल जाएगा कैसी हवा चल रही है यहाँ पे। तो मज़ेदार सी हवा चल रही, ठंडी ठंडी सी। तो चलिए अब तो ब्लॉग को एंड करने का जो वक्त हो गया, इसके बाद एडिटिंग करूँगी क्योंकि 9 तो बज ही चुके हैं, तो पता नहीं कब तक मेरा ब्लॉग आएगा। तो चलिए जी कल को फिर मिलेंगे नए ब्लॉग में नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।